सिंपल इंपल्स टर्बाइन पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उस न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि सेचुरेटेड स्टीम एट 10 बार प्रेशर, यानी टर्बाइन की जो एंट्री है उस पे दिया गया है कि 10 बार प्रेशर पे क्वालिटी कैसी है, सेचुरेटेड है। ठीक, प्रेशर इंटर से सिंपल इंपल्स टर्बाइन एंड एग्जॉस्ट है 1 बार प्रेशर पे एग्जॉस्ट हो रहा है। द नोजल इज इंक्लाइंड एट 20 डिग्री, यानी नोजल एंगल अल्फा वन की बात कर रहा है, अल्फा वन यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है। टू द प्लेन ऑफ द बिल, द पेरीफेरल स्पीड ऑफ द ब्लेड इज 400 मीटर पर सेकेंड, यानी पेरीफेरल वेलोसिटी ऑफ द व्हील जो है, जिसपे ब्लेड हमारे माउंटेड रहते हैं, उसकी पेरीफेरल वेलोसिटी यानी यू की वैल्यू दी गई है 400 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ऑब्टेन द बेस्ट एंगल फॉर द ब्लेड इफ द इनलेट एंड आउटलेट एंगल आर सेम, इनलेट एंड आउटलेट एंगल, ब्लेड एंगल की बात कर रहा है कि इनलेट और आउटलेट सेम है, यानी बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू है, तो उस पे हमको ब्लेड एंगल कैलकुलेट करना और आल्सो कैलकुलेट द ब्लेड एफिशिएंसी। अब क्या है कि ये H1 से H2 वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे कोई प्रेशर ड्रॉप, सिंपल इंपल्स टर्बाइन है, तो ये सबसे पहले माइंड में कर लेना है कि यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो सिर्फ और सिर्फ नोजल के केस में होगा, ब्लेडिंग पे कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। और हमने बताया था ब्लेड और नोजल मिला के ये एक स्टेज होता है किसी भी टर्बाइन का, इसी को स्टेज बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप सिर्फ किस पे हो रहा है, ब्लेड नोजल में हो रहा है, और नोजल के आउटलेट पे ही जो वेलोसिटी हमको मिलेगी वही क्या होगी, इनलेट वेलोसिटी होगी टर्बाइन के केस में। और वो इनलेट वेलोसिटी कितनी होती है, हमने बताया था कि जो नोजल से एग्जिट वेलोसिटी होती है वो होती है एब्सोल्यूट वेलोसिटी फॉर ए ब्लेड, यानी V1 की वैल्यू होती है। और ब्लेड भी एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर एक एंगल क्रिएट करता है, ब्लेड एंगल एक सर्टेन एंगल पे स्ट्राइक करता है उस ब्लेड पे, बीटा वन एंगल पे वो वेलोसिटी स्ट्राइक करती है, फिर हमको वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है ब्लेड के इनलेट पे। ठीक, तो अब सबसे पहले हमको क्या है कि यहाँ पे V1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये करेंगे कि हीट यहाँ पे H1 और H2 निकालेंगे। तो H1 क्या हो जाएगा, अब H1 दिया यहाँ 10 बार 1 मेगा पास्कल पे, इसकी वैल्यू को देखते हैं H1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए 1 मेगा पास्कल यानी 10 बार पे ये वैल्यू कितनी दी गई है, 277.1 इज द इंथैल्पी एट 0.1 एंड 6.5850 इज द एंट्रोपी एट 0.1। ठीक, एंट्रोपी भी पता चल गई 0.1 पे और इंथैल्पी भी पता चल गई। अब 2 वाले पॉइंट पे हमको यहाँ पे इंथैल्पी निकालना है, तो इसकी एंट्रोपी को इक्वेट करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे 0.2 पे। ठीक, 0.2 किस पे है, 0.1 मेगा पास्कल पे है। इस तीन टेबल से ये भी वैल्यू देख के 0.1 मेगा पास्कल पे ये वैल्यू कितनी हो रही है, पहले एंट्रोपी 1.3028, ये कैलकुलेशन आपने पहले भी कर रखी होगी रैंकाइन साइकिल में, इसको हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इंथैल्पी एट 0.2 हम निकाल लेंगे, इंथैल्पी एट 0.2 हमको इतनी मिल जाएगी। अब क्या है कि हम निकालते थे वेलोसिटी ऑफ एग्जिट स्टीम फ्रॉम नोजल इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ टर्बाइन ब्लेड की, मतलब टर्बाइन ब्लेड पे जो स्ट्राइक कर रही है स्टीम उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो होगी। तो हम क्या करते थे कि वहाँ पे C2 की वैल्यू निकालते थे, वो कितनी होती थी, अंडर रूट 2H1 - H2 + C1, यानी इनलेट वेलोसिटी C1 क्या था, इनलेट वेलोसिटी ऑफ नोजल था। तो C1 यहाँ पे नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं, ऐसा बहुत लोग ये स्टूडेंट ये गलती करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्या है कि H1 और H2 की जो वैल्यू है वो किलो जूल में है, तो इसको जूल पर केजी SI यूनिट में ही लेकर चलेंगे। ठीक, तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 की वैल्यू हमको पता चल जाएगी 883.93 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब क्या है कि वेलोसिटी डायग्राम ड्रा करेंगे, तो U कॉमन होता है वेलोसिटी डायग्राम, कल हमने बताया था U क्या है कि इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में U जो है वो कॉमन होता है। अब यहाँ पे जो ब्लैक से हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है ये क्या है, ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, और जो रेड से यहाँ पे ड्रा कर रखा है ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। अब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या होता था कि ये हमको नोजल एंगल अल्फा वन की वैल्यू मिलती थी और ये होता था V1, ठीक, ये होता था VR2, और ये किस ब्लेड एंगल पे होता था, बीटा वन एंगल पे, ये बीटा वन एंगल पे है। अब हमको क्या है कि यहाँ पे व्रिल कंपोनेंट कल हमने बताया था कितना होता है, VW1 होता है और VW2 होता है, इस दोनों को, और VW1 की वैल्यू होती है V1 cos alpha। अब कल डायग्राम से ये भी बताया गया था कि V1
कॉस अल्फा वन अगर करेंगे तो इसका कंपोनेंट इस लाइन पे क्या आ जाएगा, वी वन कॉस अल्फा वन, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी टू कॉस अल्फा टू, यानी यही जो टोटल डिस्टेंस होती है यही होती है हमारी व्रिल कंपोनेंट होती है। अब हमको निकालना है, अब यहाँ पे हमको यू पता है, यानी ये डिस्टेंस हमको अब डिस्टेंस हमको यहाँ पे थोड़ा सा निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालेंगे, सॉरी डिस्टेंस कह रहे हैं, ये वी आर वन की वैल्यू, एंगल की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब अगर ट्रायंगल लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि अब टेक्नामेट्री से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, टेक्नामेट्री ज्योमेट्री दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्नामेट्री मेथड लेके चल रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ डैश बी लेते हैं, ए ओ डैश बी लेते हैं, यहाँ पे अगर साइन 20 करेंगे तो साइन 20 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 20 होगा ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी ए बी ए बी हमको यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन बी ओ डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, वी वन के इक्वल है ना, तो बी ओ डैश को हम वी वन लिख सकते हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वन साइन 20, ठीक। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम कॉस 20 की बात करें, कॉस 20 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ए ओ डैश डिवाइडेड बाई बी ओ डैश, ठीक। तो ए ओ डैश डिवाइडेड बाई बी ओ डैश, अब ए ओ ए ओ डैश जो है, ए ओ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ डैश, और ओ ओ डैश की वैल्यू क्या है, 400 है, यू के इक्वल है, यानी इसको लिखा जा सकता है ए ओ इज इक्वल टू वी वन कॉस 20 माइनस यू। अब इसी ट्रायंगल में ए ओ बी में, अब ये वाला जो ट्रायंगल था ए ओ बी में, अगर हम टेन बीटा वन लेते हैं, टेन बीटा वन कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ होगा, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से हम लिख लेंगे कितनी हो जाएगी, वी वन साइन 20, और यहाँ पे ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वन कॉस 20 माइनस यू। अब वी वन की भी वैल्यू पता है, 883 हमने कैलकुलेट किया है, और यू की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है, U की वैल्यू 400 दी हुई है। तो इसको अगर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे और टेक्नोमेट्री का अप्लाई करके, तो हमको बीटा वन यहाँ पे पता चल जाएगा, बीटा वन इज इक्वल टू द टेन इनवर्स ऑफ सम इतना, तो ये क्या हो जाएगा, 35 डिग्री यहाँ पे बीटा वन पता चल जाएगा। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनलेट और आउटलेट ब्लेड एंगल इक्वल है, इनलेट और आउटलेट ब्लेड एंगल अगर इक्वल है ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है कि हमको यहाँ पे वी आर वन भी कैलकुलेट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसी ट्रायंगल में अब क्या है कि बीटा वन है, अब हमको यहाँ पे ये पता चला, अब बीटा वन अगर ये ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें कितना होगा, बी ओ डैश सॉरी बी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए ओ का होल स्क्वायर। तो ये टेक्नोमेट्री का ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ओ बी जो किसके इक्वल है, ओ बी जो इक्वल है वो वी आर वन के इक्वल है, और ए बी ए बी अभी हमने यहाँ पे देखा है कि ए बी किसके इक्वल है, और ए ओ भी किसके इक्वल है, अभी हमने देखा है कि ये किसके इक्वल है, ए ओ इज इक्वल टू वी वन कॉस 20 माइनस यू के इक्वल है। तो ये अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वी आर वन, वी आर वन की वैल्यू मिल जाएगी 526 पॉइंट। अब ये पाइथागोरस है, अप्लाई करना है, अप्लाई करके यहाँ पे हम निकाल लिए वी आर वन इज इक्वल टू इतना हो गया। अब क्या है कि इनलेट और आउटलेट जब एंगल में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो हमारे इनलेट और आउटलेट रिलेटिव वेलोसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो उतनी ही वेलोसिटी यानी वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू मिलेगा, ठीक। अब हमको निकालना है व्रिल कंपोनेंट, व्रिल कंपोनेंट इज इक्वल टू द वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, वी वन कॉस अल्फा वन प्लस वी टू कॉस अल्फा टू। अल्फा वन हमको पता है लेकिन अल्फा टू नहीं पता है। अच्छा, इस वेलोसिटी डायग्राम में आते हैं तो यही डिस्टेंस जो हमने बताया कितनी होती है, वी वन कॉस अल्फा वन प्लस वी टू कॉस अल्फा टू, यहाँ से ए से ओ तक की डिस्टेंस, ओ डैश तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वी कॉस अल्फा वन है, और ओ डैश से डी तक की जो डिस्टेंस है ये वी टू कॉस अल्फा टू है। अच्छा, इसी अब ये अल्फा वन और अल्फा टू के उसमें लिखा गया, अगर बीटा वन और बीटा टू में लिखा जाए तो अब ये क्या है, ए से ओ तक की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर वन कॉस बीटा वन लिख सकते हैं ए से ओ तक की डिस्टेंस को, और ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ये है यहाँ पे वी आर टू है, तो वी आर टू कॉस बीटा टू लिख सकते हैं, बीटा वन और बीटा टू हमको पता है, ठीक। तो ये सिंपल ही है, इसी तरह हम यहाँ पे अब फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम से अब वी कॉस अल्फा वन इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको बीटा वन और बीटा टू पता है,
और वी आर वन वी आर टू भी इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, टू वी आर वन इंटू कॉस बीटा वन। अब इसको करेंगे तो हमको व्रिल कंपोनेंट यहाँ पे पता चल जाएगा 861.99 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, ब्लेड इफिशियंसी निकालना है। ब्लेड इफिशियंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, टू वी डब्ल्यू व्रिल कंपोनेंट इंटू यू डिवाइड बाई वी वन का स्क्वायर। ये कर दिया, वी डब्ल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, टोटल व्रिल कंपोनेंट इंटू यू की वैल्यू दे रखी है, वी वन हमने शुरुआत में कैलकुलेट किया था 883 पॉइंट इतना आ रहा था। अब यहाँ से अगर ब्लेड इफिशियंसी या डायग्राम इफिशियंसी हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 88.5%।